रूस के अंदर दोबारा जीत गए हैं। हमारे यहां तो प्रधानमंत्री जी को 38% वोट मिलते हैं, पुतिन को रशिया में 87% वोट मिले हैं। और जब उनको इतने वोट मिले तो पुतिन अपना झंडा उठा के कह रहे हैं कि भाई जो मैंने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि गलत किया, मेरी जनता ने उसको स्वीकार किया और उसके ऊपर मोहर लगा दी, पुतिन जी सही कर रहे हो, करते रहो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सारी अपोजिशन पुतिन जी ने खत्म कर दी है। जो जो अपोजिशन के लीडर आज की सत्ता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। तो आप पूरी की पूरी लीडरशिप को ही जब जेल में डाल देंगे तो कौन सवाल पूछेगा प्रधानमंत्री जी से, कौन सवाल पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से? सबको जेल में डाल दो और फिर चुनाव कराओ। जब सभी जेल में चले जाएंगे और चुनाव करोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जैसे पुतिन जीत रहे हैं वहां पे। भारत भी अब उसी ढकोसले की राह पे चल रहा है जहां पे सारे अपोजिशन जो जो लोग चैलेंज हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको जेल में डालने की जो है एक्सरसाइज जो है अब दिन रात चल रही है। साथियों, कल से बड़ी हैरानी की बात है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको न्यूट्रल होना भी चाहिए और कम से कम होना तो दिखना तो चाहिए ही चाहिए, उस एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज देके कहा है, और क्या कहा है वो सुनिए। By the acts of convert, मैं मुख्य लाइन पढ़ देता हूँ। In exchange of these favors, she was involved in paying rupees 100 crores to the leaders of AAP. ये इसका मुख्य प्रिमाइस है इस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज का कि 100 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ। और मैं आपको बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी तो इसको कई हजार करोड़ का घोटाला बता रही थी, मगर अंत आते आते कई स्टेटमेंट बदलते बदलते अंततः ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन इस एक्साइज के मामले में हुआ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय में 30 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना जी का जो ऑर्डर आया, और काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर आया, उसमें इस 100 करोड़ रुपए के एलिगेशन के बारे में क्या कहा गया है वो मैं लाइन आपको पैराग्राफ नंबर 12 से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। थर्डली, द assertion इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय DOE, दैट मीन्स ईडी, दैट अ kickback ऑफ रुपीज 100 करोड़ was एक्चुअली पेड बाय द लिकर ग्रुप इज somewhat अ मैटर ऑफ डिबेट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर इस मामले को बहुत दिनों तक सुना गया, अपने एक विस्तृत ऑर्डर के अंदर ये साफ साफ पैरा नंबर 12 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट में कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ये बात अ मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक बहस का विषय है, इसके विषय में कोई तथ्य सबूत ईडी ने नहीं रखा है। इसके बावजूद कल ईडी उसी 100 करोड़ रुपए वाली कहानी को अपने प्रेस रिलीज के द्वारा अलग अलग अखबारों में और न्यूज चैनल्स में पुश करने की कोशिश कर रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक एजेंसी को जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल दिखना चाहिए, वो इस तरीके की नैरेटिव बनाने वाली, पॉलिटिकल एडवर्सरीज को बदनाम करने वाली एक एक्सरसाइज के अंदर कल पूरे दिन व्यस्त रही। ये बात सबको मालूम है कि एक्साइज के मामले में करीब 500 से ज्यादा जगहों पे अब तक छापे मारे जा चुके हैं, हजार से ज्यादा लोगों की गवाहियां ली जा चुकी हैं,
50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैंने सुना है कि वो चार्जशीट के अंदर दायर किए जा चुके हैं, इसके बावजूद कहीं पे कोई एक रुपए की इलीगल मनी, इलीगल प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी, कोई रिकवरी अब तक ईडी नहीं दिखा पाई है, कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन, आरोप, कोरे आरोप, कोरे आरोपों पे अब तक ये मामला चल रहा है। मकसद साफ है, अभी आपको पता होगा पुतिन रूस के अंदर दोबारा जीत गए हैं। हमारे यहां तो प्रधानमंत्री जी को 38% वोट मिलते हैं, पुतिन को रशिया में 87% वोट मिले हैं। और जब उनको इतने वोट मिले तो पुतिन अपना झंडा उठा के कह रहे हैं कि भाई जो मैंने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि गलत किया, मेरी जनता ने उसको स्वीकार किया और उसके ऊपर मोहर लगा दी, पुतिन जी सही कर रहे हो, करते रहो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सारी अपोजिशन पुतिन जी ने खत्म कर दी है। जो मेन अपोजिशन का लीडर था वो जेल में बंद था और अभी एक दो दिन रोज पहले उसकी मृत्यु भी हो गई है। कहा जाता है कि पश्चिम देशों ने रूस से कहा था कि भाई आपके कई कैदी हमारे यहां बंद हैं, आपने अपनी पार्टी के मेजर अपोजिशन लीडर को जेल में बंद कर रखा है, चलिए हम इन कैदियों को एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि वो जो प्राइमरी अपोजिशन लीडर हैं रूस के, वो वेस्ट में, पश्चिम में हिफाजत से जेल में रखे जा सकें। मगर उससे पहले पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है, जो बहुत बड़े अजीब अजीब बात है। तो आज देश जो है उसी राह पे चल रहा है कि जो जो अपोजिशन के लीडर आज की सत्ता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए, सबने देखा, कोई 6,000 करोड़ लेके बैठा है, कोई कह रहा है 6 नहीं 8,000 करोड़ है, किसी को 1,500 करोड़ रुपए मिला है। आम आदमी पार्टी 60-65 करोड़ पे बैठी हुई है। 60-65 करोड़ रुपए पाने वाली नेशनल पार्टी का नंबर 2 का नेता जेल में, नंबर 3 का नेता जेल में, नंबर 4 का नेता जेल में, और नंबर 1 के नेता को भी जेल में ले जाने की तैयारी है। तो आप पूरी की पूरी लीडरशिप को ही जब जेल में डाल देंगे तो कौन सवाल पूछेगा प्रधानमंत्री जी से, कौन सवाल पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से? सबको जेल में डाल दो और फिर चुनाव कराओ। जब सभी जेल में चले जाएंगे और चुनाव करोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जैसे पुतिन जीत रहे हैं वहां पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं। नॉर्थ कोरिया भी एक डेमोक्रेटिक देश है और किम जोन जो हैं वो भी बाकायदा चुनाव करा के अपने आप को जीता हुआ घोषित करते हैं, क्योंकि चुनाव का जो ढकोसला है वो इस दुनिया के अंदर अपनी जीत को सर्टिफाई कराने के लिए कई देशों के अंदर उस ढकोसले को किया जाता है। और मुझे लगता है आज भारत भी अब उसी ढकोसले की राह पे चल रहा है, जहां पे सारे अपोजिशन, जो जो लोग चैलेंज हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको जेल में डालने की जो है एक्सरसाइज जो है अब दिन रात चल रही है। और अरविंद केजरीवाल जी जाहिर तौर पर एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछते हैं, और जब उनके सवाल उनके द्वारा पूछे जाते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर असहजता जो है वो देखने में आती है।